like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है आदिल और आज की ट्रेन का नाम है केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12218, चंडीगढ़ से कोचुवेली चलने वाली। जर्नी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, कनेक्टेड रहेंगे। तो शुरू करते हैं जर्नी। कुछ खास चीज़ें इसकी बता दूं, ये ट्रेन बहुत पैक रहती है, बहुत फुल रहती है। मुझे 3 AC में टिकट लेना था लेकिन वो मिला नहीं, इसलिए मैंने करंट अवेलेबिलिटी में 2 AC में टिकट लिया है। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वसई जाना हो या कोचुवेली तक जाना हो जो कि केरला में है, ये ट्रेन फुल ही रहती है। चलिए हमारी ट्रेन तो आ रही है। WAP-7 वडोदरा शेड का, जो कि इसका यूजुअल लोकोमोटिव रहता है वडोदरा तक के लिए, वही है ये। ऐसा ट्रेन का आना बड़ा मज़ेदार लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताना आपको कैसा लगता है। अब इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में आपको बता दूं, इस ट्रेन में सभी कैटेगरी यानी कि चेयर कार वो सब छोड़ के सभी है, यानी कि इसके अंदर आपको स्लीपर भी मिलेगा, 3 AC भी मिलेगा, 1st AC और 2 AC भी है और जनरल क्लास भी है। तो और ये पेंट्री कार है जो कि खान पान के लिए भी है। इन शॉर्ट ये नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन सब कैटेगरी ऑफ कोचेस के साथ है। जनरली संपर्क क्रांति ऐसे ही रहती है। इसका जर्नी बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊं, ये चंडीगढ़ से चलती है वेनिसडे और फ्राइडे को। इसकी जर्नी 3100 किलोमीटर जितनी लंबी है। आप देख सकते हैं मैप में कहाँ से कहाँ तक जाती है, बहुत ही लंबी जर्नी है। लेकिन स्टॉप्स बहुत कम है क्योंकि संपर्क क्रांति है और इसकी एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आर है और ये टोटल टाइम जो लेती है करीबन 54 आवर्स के करीब लेती है। अब मैं आपको इसकी एक खास चीज़ जो मेरे वीडियो में हमेशा रहती है, वॉशरूम की जानकारी दे दूं। तो चलिए देखते हैं वॉशरूम। ये है वॉशरूम 2 AC का, बहुत ही साफ है लेकिन महक तो है यार। ये एक चीज़ क्यों रहती है मुझे ये नहीं पता। ये तो लॉक है, चलिए दूसरे साइड का 2 AC का भी देख लेते हैं। और ये भी क्लीन ही है, एकदम साफ है। जल्दी देख लेते हैं, छूटने का टाइम है, पानी वानी आ रहा है। ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये भी साफ है एकदम, लेकिन वही महक है। तो ये हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे से। 1:22 आप खिड़की में देख सकते हैं। ट्रेन पुलिंग हुई थी तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था वहाँ पे, वरना कुछ और भी चीज़ें आपको दिखा था। खैर कोई नहीं, नई दिल्ली तो बहुत आना जाना होता है। और ये हमारी ट्रेन को दूसरी बार ट्रेन पुलिंग हुई है। अब क्या ही बताएं यार, ये तो मैंने उम्मीद नहीं किया था कि 2 बार लगातार हो जाएगा। पीछे नई दिल्ली भी है और ये फिर से यहाँ पे हो गए। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जर्नी मैंने ऐसे मौसम में की है कि इसमें मैं दरवाजे से आपको नज़ारे और स्टेशन के फास्ट पार करना स्किप करना दिखाऊंगा। तो वीडियो में मेरे से ज़्यादा मैं पूरी इस ट्रेन की एक्चुअल रॉ जर्नी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त चलती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मज़ा देगी। ये श्री गंगानगर जाने वाली हुजूर साहिब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो लेट है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बहुत ही बड़ा स्टेशन है और यहाँ हम 30 मिनट लेट पहुँचे हैं क्योंकि वो 2 चेन पुलिंग की वजह से।
और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप है, तो अब तो डिले 35 मिनट का हो गया। और ये तो दूसरी दो ट्रेनें हैं जो बाद में छूटना है, तो रेडी हो रही, क्योंकि हजरत निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा स्टेशन है। ये मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस खड़ी है शायद इसीलिए कि हमारी ट्रेन लाइन क्लियर करे और ये अपने मंजिल पे पहुँचे। बड़ी बढ़िया ट्रेन है, इसमें भी कभी जर्नी ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ट्रेन एर्नाकुलम से हज़रत निज़ामुद्दीन चलती है और ये भी बहुत पैक चलती है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ही भागम भाग हो चुकी है। फिर मिलते हैं मथुरा पे। ये है अपना मथुरा रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन इसको भी स्किप कर रही है, संपर्क क्रांति है। बगल में खड़ी है उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस, जो कि शायद बिफोर टाइम पहुंची थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिले बढ़ गया है, तो रन तो लाइक शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी छोटी सी नींद में कुछ खास था नहीं। खैर यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बहुत ही बढ़िया चलना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओहो, क्या ज़बरदस्त रफ्तार है! अभी तक भरतपुर पहुँचने तक तो बहुत ही अच्छी स्पीड थी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ा स्टेशन है और क्या स्पीड से ट्रेन जा रही है, मज़ा आ गया। और ये है सवाई माधोपुर स्टेशन, यहाँ पे हमारी ट्रेन पारसनाथ एक्सप्रेस को ओवरटेक करी, जो कि थोड़ा लेट है। ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है, यहाँ अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है, लेकिन आप संपर्क क्रांति की स्पीड देखिए। बहुत सारे शॉट मैंने लिए थे, उसके बारे में बताऊंगा। ये है खास बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस जो जा रही है, और बहुत ही अच्छा मोड़ था, तो सोचा आपको ये ज़रूर खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। अब हमारी ट्रेन कोटा रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन 40 मिनट लेट है, यानी कि 5 मिनट का डिले और ऐड हुआ है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ कितनी देर रुकती है। ऐसे तो 6:05 का करीबन टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं 6:45 हो गया है। यहाँ से अब थोड़ा उतरते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी हैं भाई, बहुत सारे लोग चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है और करीबन सभी ट्रेन रुकती है, बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग सब हैं। यार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। कुछ आपको खान पान के लिए ख़रीदना हो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक बार मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लिए थे यहाँ के स्टॉल वालों ने, कंप्लेन ज़रूर किया था मैंने। खैर कोई नहीं, यहाँ से ट्रेन मेरे समझ से टाइम पे छूटना चाहिए। यहाँ स्टॉप 10 मिनट का है इस ट्रेन का, अमूमन ट्रेन का 5 मिनट का ही रहता है, लेकिन इस ट्रेन को 10 मिनट का स्टॉप दिया गया। तो यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी वडोदरा पे, जो कि आएगा रात को 1:10 को। लेकिन मैं अब यहाँ इसके बाद तो ऐसे भी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, आप देख चुके हैं कि सूरज ढल चुका है, तो मिलेंगे सुबह, क्योंकि जल्दी उठना है, वसई पे उतरना है। तो ट्रेन बराबर 10 मिनट रुकने के बाद कोटा जंक्शन से चल दिए, ये एक अच्छी बात थी कि कोई भी एक्स्ट्रा डिले नहीं हुआ, ऐसे तो टाइम भी बहुत दिया है स्टॉप का। खैर कोई नहीं, मैंने बहुत सारे खूबसूरत और अच्छे वीडियोस लिए हैं इस ट्रेन की जर्नी के। वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे दूसरे चैनल, जो कि सिर्फ ट्रेन का चैनल है, AZ ट्रैवल वर्ल्ड पे शेयर किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, ज़रूर चेक करें। और अब हम थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। तो सूरत से हमारी ट्रेन चल चुकी है, यहाँ पे आधा घंटे का ही डिले है, तो 10 मिनट कवर करी है, और यहाँ पे काफ़ी लोग उतरते चढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली जाए या कोचुवेली। और यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी वसई रोड पे। ये ट्रेन पनवेल भी रुकती है, काफ़ी लोग वसई रोड पे भी उतरते हैं और पनवेल पे भी उतरते हैं। यूँ समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है नहीं तो आधी ट्रेन का उतरना चढ़ना हो जाता है वसई रोड और पनवेल पे, क्योंकि मुंबई से कनेक्टेड है तो ये दोनों जगह है, तो काफ़ी लोग इस ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। मैं भी वसई रोड पे ही उतरूंगा, क्योंकि मेरा घर वेस्टर्न लाइन की तरफ ही है, तो मेरी तो जर्नी वहीं एंड होगी, लेकिन आप और हमारी जर्नी और भी बनी रहे, तो इसके लिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करें। वीडियो अभी तक देखे हो तो यार बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आपको मज़ा आया हो। ये हम पहुँच रहे हैं वसई रोड स्टेशन, और सामने एक और एक ट्रेन छूटने के लिए तैयार है, वो शायद राजकोट जाती, कोयम्बटूर राजकोट है। हमारी ट्रेन वसई रोड 15 मिनट के डिले से पहुंच रही है, ये एक अच्छा रहा कि यहाँ से 15 मिनट का कवर अप हो गया। अब आगे का इसका सफ़र तो बहुत लंबा अभी भी बाकी है,
ये कल के दिन अगले दिन पहुंचेगी कोचुवेली। हमारा सफर तो यही एंड हुआ। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले ब्लॉग।